के घूम घूम के यहाँ नीचे वाली रोड से फिर वहाँ से जाना है, इनके पीछे जाना है। अभी हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है, तेज़ हवा चल रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज है डे 2 और अभी जो है फ़जर का टाइम है। तो सबसे पहले मैं नमाज़ अदा करूँगा, उसके बाद जो है मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। उसको मैंने बताया हुआ है कि नमाज़ के बाद ब्रेकफास्ट जो है वो यहीं रूम पर भेज दीजिएगा, तो अभी तैयार कर रहे होंगे शायद। तो नमाज़ पढ़कर जो है हम ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा सफ़र रहेगा वो रहेगा लेह की जानिब, जो कि यहाँ से अराउंड 230 किलोमीटर्स दूर है। रास्ते में जो कोई भी चीज़ें होंगे वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। से निकल चुका हूँ, तो मैंने चेकआउट कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स मिले हैं। और अंकल जी, आपका गुड नेम? अर्नब। अर्नब इनका नाम है। और अंकल का नाम? इमरॉय। इनका नाम इमरॉय है और ये कलकत्ता से है। और ये इनकी सिस्टर जी चोबीपाल। बहुत ही लविंग पीपल है। तो अभी जो है यहाँ से निकलते हैं, तो बाकी का सफ़र जो है वो 6 घंटे का रहेगा, क्योंकि बीच में रुकना भी है। तो अभी यहाँ से चेकआउट करता हूँ, इनको पेमेंट कर देता हूँ, तो हम रास्ते में मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये है मेरे दोस्त, आपका क्या नाम? अब्बास। अब्बास है। तो बहुत ही बढ़िया होटल है, आप यहाँ पर आइए। और बड़ा ही अच्छा यहाँ पर सिस्टम है और एकोमोडेशन बहुत अच्छी है, रूम्स बहुत क्लियर है। तो यहाँ पर आइए, रेस्ट कीजिए। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुंक़लिबून। तो वेलकम बैक प्यारे अजीज़ों। तो अभी जो है मैं लेह की तरफ निकल चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा बहुत ही बेहतर रहेगा। तो अभी जो है मैंने सीधे जाना है, फिर नीचे से जाना है। तो ये जो यहाँ से दरिया बहता है ना, इसे दरियाए सुरू कहते हैं। तो अभी मैं आपको आगे भी जो है ना ये जगह दिखा देता हूँ। वैसे मेरी बाइक में पेट्रोल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहीं पर ना डलवा देता हूँ, फुल कर देता हूँ, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ से जाना है नीचे। तो ये जो यहाँ से मार्केट है, ये करगिल का मार्केट है। मैं कल भी यहाँ आया था, क्योंकि डिनर मैंने यहीं पर किया। होटल में डिनर अवेलेबल नहीं था, तैयार नहीं था, तो यहाँ पर जो है फिर मैं आया था देर से, तो फिर यहाँ पे मैंने डिनर किया। तो ये जो है ये दरियाए सुरू है, ज़बरदस्त। मगर फ़्लो देखिए पानी का कितना है ख़तरनाक। कैमरा शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़्लो है पानी का। तो मैंने ना अब लेह की तरफ निकलना है, तो यहाँ किसी से पूछ लेते हैं कि लेह का रास्ता कहाँ से है। तो हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। लेह कहाँ से जाएंगे? सीधे। और पेट्रोल पंप मिल जाएगा आगे कोई? हर जगह मिलेगा? लेफ्ट जाना है। हाँ, पेट्रोल पंप हर जगह मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो पूछना ज़रूरी था। तो इन्होंने कहा कि आपने सीधे जाना है। तो ये हम यहाँ से अब अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पहले हम इस मार्केट से निकल जाते हैं और कहीं पर पेट्रोल पंप आ जाता है तो पेट्रोल भी हम इंशाल्लाह डलवाएंगे और फिर चलेंगे आगे। तो लो जी, ये है दरियाए सुरू। लो देखिए कितना है पानी का, बहुत ही ज़बरदस्त। और शोर इतना आ रहा है ना, कानों में ज़बरदस्त शोर आ रहा है। ये देखिए फ्लो कितना है पानी का, ज़बरदस्त। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो टैंक बैग है ना, ये गार्डियंस गेयर का है, 28 लीटर का है। इसमें आपके सारे सामान आ जाते हैं। मैंने अपने मेडिसिन, अपना DSLR, अपना कैमरा, तमाम चीज़ें मैंने इसमें रख ली है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह। तो फाइनली जो है मैं लेह की रोड पर आ गया हूँ। यहाँ से मैंने जो है एक पुल को क्रॉस करना था, तो अभी जो है हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं ऊपर की जानिब। तो अब यहाँ से हम सामने पहले जो है एक पेट्रोल पम्प देख लेते हैं। इसमें तो फ्यूल है वैसे भी, फिर भी मैं इसमें फुल करवा देता हूँ। तो लेह जो है यहाँ से है 225 किलोमीटर्स, नीमू है 189, तो हमने सीधे जाना है। जी जी सुना। कितने का डाला? और बाद में सब कर देंगे। हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट। 550 हुई है, ज़्यादा नहीं। ओके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मौसम है, ज़बरदस्त मौसम है। अल्लाह अकबर। भाई लोग देखिए किन पहाड़ों से होकर हम आए हैं, पता भी नहीं चला ना, उन पहाड़ों से। मेरे ख्याल से हमें वहाँ से सीधे जाना पड़ेगा और ऊपर से आना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा। तो नमीकला यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो नमिकला यहाँ से 2 किलोमीटर अब रह गया है, तो वहाँ भी पहुँचते हैं, देखते हैं नमिकला कैसा है। ये है नमिकला। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुक लेता हूँ। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नमिकला। नमिकला जो है यहाँ पर जो है आल्टीट्यूड जो इसका है 12,198 फीट का है। तो यहाँ और भी बाइकर्स हैं, तो मैंने अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर रखी है। तो अभी हमने और आगे जाना है, पहाड़ को चीरते हुए आगे तक। तो निकलते हैं यहाँ से। तो नमिकला में अभी मैं रुका हुआ था और कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए मैंने, और वहाँ कुछ बंदे भी मिले जो बाइकर्स थे, तो उन्होंने जो है थोड़े से स्नैप्स वगैरह ले ली मेरी, बहुत ही अच्छे थे। तो अब हम जो है आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ क्या मसला है भाई लोग, रोकना है? ओके तो अभी कुछ नंबर लिखना है। हेलो और जेकी 0 1X 402 बस 16। ओके तो यहाँ एंट्री करवानी पड़ी। ये जो है ना ये पूरा यहाँ पर आके इसको घुमाया जाता है और आप देख सकते हैं वहाँ कुछ दिया विया भी जल रहा है। तो ये बुद्धिस्ट का कोई यहाँ पर माबद है, तो ये इबादत ऐसे ही करते हैं, तो इसको घुमाते हैं। तो इस जगह का नाम भी क्या है, बुद्ध खारबू। बुद्ध खारबू इसका नाम है। मंजिल पे पहुंचना जो है ना, डेस्टिनेशन पे पहुंचना मकसद नहीं है। मकसद है आप जो एडवेंचर करते हैं, जो आप एंजॉय करते हैं, वो चीज़ आपने करनी है। अभी देखिए हैंडल कितना शेक हो रहा है ना, रोड कर रहा था तो मेरे हाथ खुद ब खुद वो इशारा देने लगे। ये लो जी, थोड़ा सा ऑफ रोड और आ गया। बिल्कुल आराम से चलना है, आराम से। कबूतर उड़ जा, कबूतर उड़ जा। अरे उड़ ही नहीं रहा। वरना कबूतर को अगर थोड़ा सा इशारा करेंगे ना, वो भाग जाता है। यहाँ के कबूतर भी ट्रेनड है। इनको ट्रेनिंग दी गई है भाई, बाइकर्स आएंगे कुछ भी हो, आपको उड़ना नहीं है, बस आपने वहीं रहना है। चलो ये ऑफ रोड थोड़ा सा ख़त्म हो गया, अब फिर से सही रोड आ गया। थोड़ा सा और, थोड़ा सा सही, थोड़ा सा और, थोड़ा सा सही। ओहो तो देखिए अभी जो है ना, मैं ऊपर से आया हूँ और यहाँ से जाना है अभी, और यहाँ से होकर वो जो आप सामने देखना वो रोड, और फिर वहाँ से और घूम घूम के यहाँ नीचे वाली रोड से फिर वहाँ से जाना है, फिर आगे। और वो पहाड़ आप देख रहे ना, इनके पीछे जाना है अभी। अभी 2 घंटे तकरीबन लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम आराम से अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो यहाँ पर कोई मोनेस्ट्री है यहाँ पर, तो बहुत ही खूबसूरत है, ज़बरदस्त। तो सामने मुझे कुछ होटल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ और लंच वगैरह कर लेता हूँ, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दूँगा। लंच करने के बाद मैं लेह की तरफ निकलूँगा और उसको आप इंशाल्लाह देखेंगे कल वाले, यानी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ़िलहाल मैं लंच करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी ओके, अच्छा लेह कितना दूर होगा आगे से? फिर 2 घंटा लगेगा ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर गाड़ी रोक देंगे ना और न्यूट्रल कर देंगे, तो गाड़ी जो है ना वो पीछे जाने लगेगी। वहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं, ये कैमरा जो है ना शायद ही आपको दिखा पा रहा होगा, तो वहाँ पर बड़ा सा लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल। ये हेलीकॉप्टर कैसा है, लोहे का है लेकिन प्लास्टिक का, समझ नहीं आ रहा दूर से। तो इसका नाम है हॉल ऑफ फेम।